अब तुम देखना माँ, तुम्हारा ये अनपढ़ और अंगूठा छाप बेटा कैसे शत्रुओं के अंगूठे काटता है। राजा बाबू, ये सब कुछ आपने मालकिन को तसल्ली देने के लिए कहा है या वाकई को तरकीब है? मधु, तुम अपने कपड़े पेटी में डाल के जल्दी से पेटी ले आओ, जाओ। ये कैसी तरकीब है? तू जाकर रसोई से प्याज लेकर आ, जा। कुछ अजीब सी तरकीब है, पेटी प्याज, प्याज पेटी पेटी। बाबूजी, गलती की माफी मांगने के लिए तेरी मां ने भेजा होगा शायद यहां पर। नहीं बाबूजी। फिर काय के लिए? हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तेरी मां जाने को राजी हो गई? मां ने तो रात को कहा था कि सवेरे जाकर स्टेशन से दो टिकटें खरीद के लेके आना। और ये नहीं सोचा कि वहां जाके रहोगे कहां, खाओगे कहां से, भीख मांगोगे क्या? लगता है सही है, अब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आज शाम को मां आपसे मिलने के लिए आने वाली है। हाँ बाबूजी, आज से 20 साल पहले जब आप लोगों का लगन हुआ था तो गांव वालों ने सुहागरात वाले दिन जिस रेशमी साड़ी में मां को आपके कमरे में भेजा था और जिस तरह शर्माते हुए मां आपके सामने आई थी और मां की सुंदरता में आपने कुछ शब्द कहे थे, आपने कुछ ऐसा कहा था कि ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। हाँ, मां ने मुझे कुछ ऐसे ही बताया था। बाबूजी, उस साड़ी को मां ने अलमारी में बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा, जाते जाते आपकी याद में मां उस साड़ी को लेने के लिए आ रही है। ना मत कहिएगा बाबूजी, ना मत कहिएगा, वरना वरना मेरी मां का दिल दुखेगा। बाबूजी, आपसे एक और विनती है, अगर मां गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे तब उसे इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरी मां का दिल दुखेगा। बिन मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना वरना जाते जाते मेरी मां का दिल टूट जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं। अरे तू गया नहीं अब तक? नहीं, वो आपने भी आंख में प्याज जी, मेरा मतलब है कि हमारे जाने के दुख में आप रो रहे बाबूजी। अरे मैं क्यों रोने लगा, मेरी आंख में कचरा चला गया था इसलिए पानी बह रहा है। ओ, मैंने सोचा कि आप सचमुच रो रहे हैं। बाबूजी, शाम तक के लिए मोटरसाइकिल ले जाऊं, वो स्टेशन यहां से बहुत दूर है, पैदल चलूंगा तो पांव दुखेगा। हाँ ले जा, ले जा। अच्छा बाबूजी,